अच्छा ये बताओ, ये जानने से आपका क्या फायदा हुआ? अल अलीम, अल्लाह ताला अल अलीम है, कौन बताएगा? चलो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, जानने से क्या फायदा है आपका बताइए, आपका क्या फायदा है बताइए? अल्लाह फंसे लोगों की मदद कर सकता है, देख ये तो अल फताह में बताया, अल अलीम में सब कुछ जानता है अल्लाह ताला, ये जानकर आपका क्या फायदा है? कि हम गुनाह करना कम कर सकते हैं। अल्लाह अकबर, कितनी ब्यूटीफुल बात बताई माशाल्लाह। इसी बात पे आपके लिए और एक छोटा सा गिफ्ट, हाँ कि गुनाह से बचना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम जो गुनाह कर रहे हैं वो अल्लाह ताला जानते हैं, अल्लाह ताला के इल्म में है और परफेक्ट इल्म है, ऐसा नहीं कि डाउट, कभी कभी कोई चीज का हम लोगों को डाउट होता है ना, हाँ अल्लाह के पास परफेक्ट इल्म है। और क्या फायदा बताइए? अल अलीम अल्लाह है, जानकर और क्या फायदा है जी? जो दिल में रहता है वो अल्लाह ताला, माशाल्लाह, तो दिल में भी है अल्लाह ताला जानते हैं, तो दिल में भी गलत ख्यालों से इंशाल्लाह बचना है। कुछ लोग होते हैं अंदर अंदर बहुत बुरे बुरे ख्याल, बाहर स्माइलिंग लेकिन अंदर बुरे ख्याल, तो ये होना चाहिए ऐसा? अंदर भी अच्छा होना चाहिए और बाहर भी अच्छा होना चाहिए, दोनों तरफ अच्छा होना चाहिए जी। और बताओ और क्या फायदा है? अल अलीम अल्लाह ताला, रिपीट करो अल अलीम, रिपीट अल अलीम, अल अलीम, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, तो अल अलीम से क्या फायदा है आपका बताइए जानकर? कि अल्लाह ताला जो हम नहीं जानते वो अल्लाह ताला जानते, जो हम नहीं जानते अल्लाह जानता है, वो भी जानता है। और क्या फायदा है मैं आपको बताऊं? और जो हम नहीं देख सकते वो अल्लाह ताला देख सकते हैं, जो हम नहीं देख सकते अल्लाह ताला देख सकता है। और बताओ और फायदा मैं आपको बताता हूँ, हम लोग इस्लाम पे चल रहे हैं, इस्लाम में शरीयत है, हलाल हराम है, डूज एंड डोंट्स हैं, ये करो ये मत करो है, ये किसकी तरफ से है? अल्लाह अल अलीम की तरफ से, अल्लाह जो अल अलीम है, तो अल अलीम जो है जो सब कुछ जानता है वो जानता है क्या अच्छा है हमारे लिए और क्या बुरा है। आपको पता है अभी एक रिसर्च हुई कुछ साल पहले अमेरिका में, कुछ डॉक्टर्स ने की, इंटरनेट पर ये रिसर्च है जिसका नाम है द जेनेसिस डाइट, उसके अंदर आया है कि पिग होता है ना, पिग पिग उसका गोश्त होता है, हम लोग खाते हैं नहीं, क्यों नहीं खाते हैं? हराम है, हराम है, कुरान में मना है, मना है। आज जाके डिस्कवर किए कि वो खाने से 300 अलग अलग बीमारियां होती है, 300 बीमारियां होती है पिग का गोश्त खाने से। हम लोग खाते हैं नहीं, हम लोग वो 300 बीमारी से बच गए, क्यों बच गए? क्योंकि अल्लाह ताला अल अलीम है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, इनको तो अभी कुरान के 1400 साल बाद मालूम पड़ा, वो भी अभी पता नहीं समझने में और कितना टाइम लगेगा, लेकिन हमें तो पहले से पता है, हम तो बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा ईमान जिस दीन पर है वो दीन किसकी तरफ से है? अल अलीम की तरफ से, अल्लाह के पास हर चीज का इल्म है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हाँ जो कुछ इंसान को बाद में जाके थोड़ा सा कभी मालूम पड़ सकता है, लेकिन अल्लाह को पहले से मालूम है। हाँ तो मेरे बच्चों, हमारा ईमान अल्लाह पर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है ये सब जानकर, अल्लाह ताला की सिफात, अल्लाह ताला के बारे में जानकर हमारा ईमान बढ़ता है और बढ़ता है कि नहीं? हाँ, और हम जानते हैं कि जो कुछ इस्लाम में है ये हमारे भले के लिए है। तो आज हमने ये दो नाम सीखे, कौन से दो नाम? अल-फत्ताह अल-अलीम, रिपीट अल-फत्ताह अल-अलीम। तो अल-फत्ताह कौन? जो फंसे लोगों को रास्ते निकालने वाला, और अल-अलीम सब कुछ जानने वाला। तो ये बात जानकर और ये बात जानकर कि अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, लैसा कमिथ्लिही शय, रिपीट करेंगे साथ में, लैसा कमिथ्लिही शय, अल्लाह के बमिस्ल जैसा कोई भी नहीं, अल्लाह के जैसा कोई नहीं। सूरह शुरा, सूरह 42 आयत नंबर 11। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे भी याद कर रहे होंगे इंशाल्लाह, जिंदगी भर ताल्लुक जुड़े रहे अपने रब से जो अल-फत्ताह है और अल-अलीम है। इसी चीज के साथ हम आज की प्रोग्राम को खत्म करते हैं, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम कलाम ऑफ इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV
आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।